अंपायरों की शक्लों पे लिखा हुआ था भाई, आउट हिसाब से आउट देते थे और पीछे मुड़ के नीता मलिक मालिक माफ करने वाले उमरान मलिक को स्पेशली इसलिए रोका है कि आप नेट्स पे हार्दिक पांड्या को घायल करेंगे और फिर ये हमारा तरीका होगा वेंकटेश अय्यर को अंदर लाने का, हमारा ये तरीका होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। हाय गाइस, मैं हूं राजेश मांजरेकर क्योंकि आज ये दोस्तों नहीं, मैं हूं बकवास चोपड़ा। मैं दोस्तों शुभम मांजरेकर और आज हम दोनों बताएंगे आपको कि आईपीएल 2021 कैसा रहा, आपने क्या मिस किया कौन सी वो बातें जो आपको हर्षा भोगले नहीं बता पाए, क्या टीवी पे नहीं आया और हमें पता लग गया। हाँ मतलब इतनी कवरेज हुई भाई। एक तो मुझे लगता है कि इस आईपीएल में अब फाइनली ऐसा हो गया कि हर क्रिकेटर के लिए एक ऐप तो बनी गई फैंटेसी क्रिकेट वाली, जो मतलब मैं देख रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़ ने एक अलग इंडोर्स की है, ड्रीम इलेवन से तो 7-8 के घर पल रहे हैं, केएल राहुल अलग है, विराट कोहली की अपने हर प्लेयर के सेवा वगैरह अलग कर रहे हैं, वो इरफान और युवराज अलग खेलते हैं हाउस एंड में, सबकी अपनी ऐप है। अब जितने क्रिकेटर हैं, मतलब अगर आप एक डिसेंट क्रिकेटर हो, पढ़ के अगर आप बोल पाओगे तो एक ऐप आपके लिए बनके तैयार है। ऐसे ही होता है ऑडिशन, वो क्या लिखा पड़ेगा था ऐप में ही होता है। बाद अरे लाइक कोडर इनको दो, इनको एक ऐप लगाओ, कैमरा लगाओ, तुरंत एक वाली ऐप आपकी। हां ये आप सिर्फ ये पर्ची आगे दिखा दो बस, ये आगे जाके एक अपनी ऐड बना दो, अपनी ऐप ले जाओ आगे से। मैं भाई शूट कर रहा हूं सच में, एक बंदा जो लिटरली उसका काम है टेंट लगाना, ठीक है, टेंट लगाता है वो सेट पे। अब एक दिन आया चौड़ में अलग ही, कह रहा मैं लगाऊंगा असिस्टेंट, क्यों कल 300 रुपए लगाए थे उसका, वो बड़े कॉन्टेस्ट में 20,000 रुपए आ गए। क्या हाल, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, मैंने भाई इतना तो न्यूज चैनल वाले नहीं सोचते, फैक्ट की तरह पेश कर जो करना है। एक बार को एक करोड़ का इनाम मिला भाई, ऐसे बार भाई अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ऐसे ऐसे करते हुए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज इसके बाद भी गाने आपको मार शानू के बजाना, उसके अलावा कुछ इधर रखना सर अपना, गलत कर जाएंगे बाल ऐसे। और एक बार को मेरा चिंता होती है, नहीं फिर भी थोड़ा दमाश चल रही है टीवी में बाल भाई, 3-4 साउथ इंडियन फिल्म जिसमें से एक है इंदिरा द टाइगर दमाश वाली। इंदिरा द टाइगर तो ऐसा है अगर वो घर पे चल जाए तो पापा कैंची कंघा उठा लेते हैं, या तो मेरे बाल काट या मुझसे कटवा, क्योंकि ये पिक्चर अगर चल रही है तो बाल कटते करते रहने चाहिए। तो वैसे अगर कोई फिल्म देखते देखते आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम कहेंगे आप अपने आपका एटीट्यूड अपना वही मेंटेन आप रखें। बट हम आईपीएल पे वापस आते हैं दोस्तों, और थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बातें करते हैं जिनपे जितनी बातें होनी चाहिए थी नहीं। जैसे एक तो आज ही क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने क्या किया, एक पोस्ट डाला उन्होंने इंस्टाग्राम पे और सिर्फ लुंगी नगीडी को, नगीडी एंगीडी जो भी उसका नाम है सॉरी भाई, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया उसमें, फाफ डू प्लेसिस को नहीं किया और इमरान ताहिर को नहीं किया। तो उस पर नीचे डेलसिन ने भी कमेंट किया कि ये क्या बदतमीजी है, ये क्या तमीज़ है, डुप्लेसी से क्या पंगा उनका, उससे भी कुछ पंगा है? डुप्लेसी से कोई पंगा नहीं, डुप्लेसी ने संन्यास ले लिया है तो उनका ये हो गया। नहीं रिटायर नहीं हुआ डुप्लेसी, भी अभी खेल रहा है, हो गया भाई वो। नहीं उसने डेलसिन ने तो नीचे लिखा हुआ है कि दे आर नॉट इवन रिटायर्ड येट, ये तो ये चल कमेंट्स में बता देंगे हम क्यों कंफर्म करें जो भी, लेकिन ये अच्छा जेस्चर तो नहीं है। बाकी सब बड़े प्लेयर्स ये दुबई में रुकने वाले हैं और डुप्लेसी जिन्हें अभी 90 रन मारे वो अकेला साउथ अफ्रीका जा रहा है वापस, क्यों? क्योंकि वो नहीं है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अच्छा तो कोई नहीं भाई, इतना तो माई भाई की चलती है, जो होटल बोलेंगे वो करा के देंगे उसको, बालकनी वाला चाहिए ऐसा, और डिजर्व भी करता ही, रहना तो डिजर्व भी नहीं करता जैसा इस सीजन खेला है, रहना था तो याद भी नहीं आ रहा मुझे, रहना ने क्या किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 मिलियन पे पैसे कटवा लिए होंगे, माई भाई को पानी नहीं मिला, पानी वानी जो मिला। कल उसकी वाइफ ने वो न्यूज लीक किया कि साक्षी भाभी प्रेगनेंट है। सोचो एक क्रिकेटर को इसलिए उठा के लेके जाया गया कि उसकी बीवी जाए साथ में और फिर फाइनल के बाद वो ये न्यूज मीडिया में लीक करे कि हाँ साक्षी इज 4 मंथ्स प्रेगनेंट। और मैं यहाँ दोस्तों आपकी थोड़ी नॉलेज भी करेक्ट कर दूं कि अब ऐसा नहीं बोल रहा था शी इज प्रेग्नेंट, दे आर प्रेग्नेंट, ये इंस्टाग्राम ने हमें नया सिखाया है, वी आर प्रेग्नेंट। लेकिन इस बार अच्छा है भाई, माई भाई ने टाइमिंग सही रखी है, वरना फिर उनका हो जाता है वर्ल्ड कप के टाइम पे जीवा पैदा हुई थी छोड़ के भी तो थे। नेशनल ड्यूटी और राहुल द्रविड़ भाई कोच अपॉइंट हो गए। ये दोस्तों आईपीएल की बात करना शुरू नहीं किया अभी तक हमने, कहा इसलिए हम गाली बकते हैं, लेकिन हम वो गाली बकने वाले 10 को अवॉइड करते हैं जो बाकी एंजॉय करते हैं, हम उनको देखते हैं, वो एंजॉय वाली हमारी पब्लिक है। राहुल द्रविड़ ऐसा ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हर तरफ खबर आ चुकी है, खबर अब ऑफिशियल हो चुकी है। और भाई हार्दिक पांड्या ने तो अपने टैटू मिटाने शुरू कर दिए राहुल, किसी ने सोचा होगा कि विराट कोहली से पहले चेतेश्वर पुजारा आईपीएल जीतेगा, और पुजारा तो पुजारा से चलो 50 लाख ही मिले, एक है प्लेयर कृष्णप्पा गौतम, पूरे सीजन बाहर बैठने के दोस्तों से मिली आईपीएल ट्रॉफी और 9,25,00,000 रुपए। भाई साहब कल देखा मैंने उसको एक झलक, वो माही भाई को हेलमेट पकड़ा के कहता ऐसे कुछ काम पकड़ाए होंगे उसने ऑफ द फील्ड पकड़ा चला,
भाई फीस बढ़ती जीवा की। ये चीज अच्छी हो गई कि तूने नोटिस किया हो, जब मैच एंड के जो मैच आए अपने इंडियन प्लेयर जो वर्ल्ड कप खेलने वाले सब अच्छे फॉर्म में आ गए। अश्विन ने एंड में ओवर कर दिया, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की तुम बहुत टेंशन हो रही थी भाई, मेरे को भी हो रही थी यार, मतलब इन्हें उठा के लेके टाइम का मैच है ये क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं सारे प्लेयर्स फॉर्म में आ गए। शार्दुल ठाकुर, शार्दुल वो तो लॉर्ड है यार, लॉर्ड शार्दुल ने कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता उस बंदे में, वो फिर माय वाई इफेक्ट है यार, माय वाई इफेक्ट। कल तो गुस्सा हो गए थे माय वाई उस पे, एंड में गुस्सा हो गए थे, कितनी वाइट बॉल डाले जा रहा है, वाइट लो पता क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब हम ऐसे अगर पॉइंट वाइज पॉइंट टीम की थोड़े से परफॉर्मेंस दें, अपना छोटा सा हमें एक ऑडिशन दें क्रिकबज लाइव के लिए कि वहाँ कभी अजय जडेजा की डेट ना मिले तो हमें बिठा लिया जाए, थोड़ी बातें बातें, क्योंकि वो भी यही करते हैं भाई। आशु भाई वाईफाई की स्पीड कैसी आ रही है आपके घर पे, लिटरली डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर गौरव कपूर याद दिलाता है कि नहीं नहीं भाई ये बताओ कि इन स्विंग कैसे होती है बॉल। अच्छा अच्छा चलो बताते हैं। तो हम टीम्स की पहुंचे नॉर्थ मैप वाइज चलते हैं। एक तो हमारी भाई साहब किंग्स इलेवन पंजाब सबसे पहले भाई, किस्मत खराब कहूंगा अगर अगर उनकी कोई वीडियो जाएगी ना उस पे अपस्किल पे, वो ऐसे एक प्लेटफॉर्म नहीं आ गया आजकल जहाँ पे आप वीडियो बनानी सीख सकते, मतलब कुछ भी अलग अलग कोर्स कर सकते हैं। उनके कोर्स का नाम होगा हाउ टू लूज अ वन मैच, जीते जीताए मैच कैसे आ रहे हैं हमसे सिखाया जाता है। छह बॉल में तीन रन चाहिए तो ये हार के दिखा देंगे, एकदम पहुंचते और एकदम पता नहीं आता इनका। सामने वाली टीम को तीन में 25 चाहिए तो ये खा के दिखा देंगे। और इसमें ये नहीं कि टेल एंडर्स खेल रहे हैं ना, बड़े बड़े खिलाड़ी ये कांड कर देते हैं, सब बढ़ जाते हैं। केएल पे ही तया है मुझे सच में, मैं तो चाह रहा हूँ भाई तू निकल जाए यहाँ से, चाहो अगर तेरे को राइट टू मैच से भी रोक रहे हो ना, आधे पैसे में कहीं और खेलने चला जो, इस टीम से मत खेलियो। ये टीम तो लिटरली किसी को डिजर्व नहीं करती। केएल राहुल तो 21 प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलता है, 11 दूसरी टीम के, 10 अपनी टीम के, सारे मिलकर जोर लगाते हैं कैसे इस आदमी को कैसे हराया जाए। नीचे आते हैं मैप में, दूसरी टीम थी दिल्ली कैपिटल, नाम बदल दिया दोस्तों, इनकी हरकतें नहीं बदली, इन्होंने भी इतने प्लेऑफ्स आ रहे हैं ना, मैं सहवाग के टाइम वाली से देखता आ रहा हूँ, यही चलता है। एक बार थे 14 में से शायद 13 लीग मैच जीत के गए थे जब डेयर डेविल्स हुआ करती थी, भाई डर्क नैनिस बॉलर था, ऐसी बॉल ले रहा था, डर्क नैनिस को भाई मैकग्रात के ऊपर खिलाया था, मैकग्रात फिर फाइनल में ड्रॉप कर दिया दोनों को। उस टाइम से मैंने देखता हूँ आ रहा हूँ लीग मैच में ऐसा खेलेंगे, टेबल टॉप कर जाएंगे, सब कर जाएंगे, और ये भाई प्लेऑफ आते ही लैंड ही हरकत। और चलो ऋषभ पंत करे ये हरकत तो समझ में भी आता है, उस बेचारे को तो अभी मतलब ठीक है 22-23 साल का है, क्या बोले हमसे 2 साल छोटा है वो, चलता है। रिकी पॉन्टिंग 7-8 साल मैच नहीं आ रहा, वो ऐसा बंदा है मतलब वो तो हाँ यहाँ की हरकतें कर रहा है। अब बात है राजस्थान रॉयल्स पे, उन्होंने भी भाई पूरी टक्कर दी SRH को, टेबल में नीचे रहने के लिए, लेकिन SRH तो लगी फॉर्म में थी तो वो SRH से थोड़ा सा आगे रहे, बट उन्होंने भी संजू सैमसन को मैं समझ नहीं आता, आएगा एक मैच में तूफान लगा दे, अब दबा के मार रहा है, और मैच वो भी नहीं जीतते, मैच वो मैच तो कोई नहीं, संजू सैमसन जिस मैच में रन मारेगा वो तो हम पक्का हारने वाले, पक्का हारने वाले। उससे बस क्या होता है, संजू सैमसन वो ड्रीम इलेवन पहले 9 पॉइंट्स का होता है, उससे 10.5 का हो जाता है, फिर वापस इतना खराब खेलता है, फिर वापस 9 पॉइंट का होता है, और इतने में आप कितनी बार भी उसको ले लो कभी नहीं चलेगा। क्रिस मॉरिस खराब कर देता है, मैं मॉरिस भाई अगर आप किसी भी हालत में वीडियो देखने लायक बचे हैं, पहली बात तो मुझे लगता है कि इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए वीडियो देखने लायक, अगर फिर भी आप बचे हो तो 14.5 करोड़ तो राजस्थान रॉयल्स के वापस करो, 50 रुपये मेरे वापस करो। मैंने एक दिन ड्रीम इलेवन पे इस आदमी को कैप्टन बनाया भाई, उस दिन इसने 50 मारी बॉलिंग में, 4 ओवर में 50 रन खाए बताओ। मॉरिस जैसे प्लेयर यहाँ के बर्बाद हो जाते हैं। डेविड मिलर लाइन से, शिवम दुबे ने एक दिन मारे वो युवराज सिंह वाले शॉट, अब साल भर तक खिलाना पड़ेगा बस, एक आध बल्ले चला था लोग लगा युवराज मिल गया, युवराज वापस मिल गया बस, फिर आता वो वापस मुलटका के वापस से मुंबई इंडियंस भाई, उनसे तो एंड तक उम्मीद थी, मुंबई इंडियंस और आर्यन खान, उन्होंने साबित कर रखा कि पैसा होना सब कुछ नहीं है, और मुंबई इंडियंस से तो आखिर तक उम्मीद इसलिए भी रहती है क्योंकि आखिर में खेलना शुरू करते हैं, वो पहले 5-6 मैच तो कुछ करने नहीं, पहले 5-6 मैच तो वो पार्टी के लिए खेलते हैं, आफ्टर पार्टी होगी ना आज, यस, वो अंपायरों की शक्लों पे लिखा हुआ था भाई आउट, इस हाथ से आउट देते थे और पीछे मुड़ के नीता मन को मालिकन माफ करना वाले देना पड़ेगा ये तो क्लियर दे रहा है यार, अरे सच में एक तो फोटो थी लिटरली जेसन रॉय ने कैच पकड़ा, सुना है अंबानी साहब जियो के टावर से उल्टा लटका के मारते हैं। लेकिन पांड्या ब्रदर्स ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, अब उनका मतलब मुझे लग नहीं रहा वो रिटेन किए जाएंगे। हार्दिक पांड्या का आजकल सिंपल है, वो ऐसे ऑलराउंडर है, जब बैटिंग करते हैं तो लगता है बॉलिंग ऑलराउंडर है, और जब बॉलिंग करते हैं तो लगता है बैटिंग ऑलराउंडर, पता नहीं भाई कौन से क्या फिटनेस। और कृणाल पांड्या का तो मैं कह रहा हूँ सरनेम बदल दो, उसके बाद अगर वो बड़ौदा की लोकल टीम से भी खेल जाए तो भाई वो वहाँ से लोगों को निकालता है, टीम से बाहर करता है ना, दीपक हुड्डा को भगा रहा था, दीपक हुड्डा को परेशान कर दिया, भाई दीपक हुड्डा के माँ बाप की बद्दुआ है ये, और हम जैसे जो फैंस है दीपक हुड्डा के। आरसीबी तो दोस्तों आरसीबी ने अपना खुद कह दिया है दोस्तों, उन्हें सब कुछ जो उन्हें कहना था, हम क्या ही बोले उस पर, कुप्तानी भी चली गई, विराट कोहली की, एबी डिविलियर्स
मैक्सवेल ने भी अच्छा खेल के दिखा दिया तो भी उनका कुछ नहीं हुआ। मतलब भी तो कोई वही है माल्या की गालियां इनको, जो माल्या को श्राप मिले हुए ना। माल्या कल अपने रोस्टर्स के पेमेंट पूरी कर दे तो उस तो परसों टीम जीत गई। माल्या को जो उसने कर्जा ले रखा है और जिस जिस लोगों का उसने बद्दुआएं इकट्ठी कर रखी है उसे पहले जीतने के लिए वो सब निपटाना है भाई। बट दो अच्छे मिल गए उनको, डीडीपी और केशरीकर भारत। हाँ अब मिले हैं तो आरसीबी का इतिहास देख तुझे एक बंदा याद नहीं आएगा कि आरसीबी से कोई एक बंदा मिल गया हो। वो आके उनको क्या लगता है कि भाई कोहली भाई की तरह बदतमीजी करनी सीख लें? ये नहीं देखते जो मेहनत करते हैं कोहली भाई। हाँ आधा वो वाले तब तो सो रहे होते हैं जब कोहली भाई की मेहनत चल रही होती है। तब तो सो रहे होते हैं कोहली भाई, 4 बजे कर रहे होते हैं। अय्याशी में पूरा साथ देते हैं, उनको लगता है कि यार इनके तो रन बन जाते हैं। अय्याशी तो कोहली भाई हमारे बराबर करते हैं। गाड़ी तो हम भी फिलिप्स के ट्रिमर से काट रहे हैं। 12 बजे तक हमने पार्टी की, 12 बजे तक इन्होंने की थी। ये नहीं देख रहे 6 बजे उठ के फिर वहाँ के बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब साउथ में जाते हैं सीएसके, आते हैं हम क्या ही क्या बोले इन पर। तो उन्होंने पूरा मतलब इतना होलसम बना दिया माहौल, बीवी बच्चे ला के वो वाला कितना पारिवारिक माहौल है। सच में भाई मैं तो एक बार आँख से साफ करके देखा कि स्टार प्लस पे आ रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स पे आ रहा है, ये कहाँ चल रहा है ये मैच इसमें से। भाई धोनी भी ब्लैक वाटर पीता दिखा और मैं मान ही नहीं सकता कि वो महंगा वाला काला पानी है जो घटिया पानी आ रहा है, क्योंकि धोनी का तो सब वही चलता है ना, प्योर फार्म फ्रेश। मैं दो देश का पानी। मैं जीवा का इंस्टाग्राम देख रहा था भाई, वो सब खाती है अपने खेत की मूली वगैरह। जीवा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगी। नहीं मतलब पापोस के ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना भाई, मैंने सुना है वो एक्सपोर्ट भी होता है उसके तो फार्मों से। भाई अरे सीधा सीधा देखो है तो ये वही ना टैक्स बचाने का, अब वो एज ए फार्मर टैक्स पे करता होगा ना अपना। स्मार्ट तो है यार, दिमाग से खेलता भाई, दिमाग से धोनी भाई। वो औरों को बोलता है बनो दिमाग से धोनी, खुद तो है ही वो धोनी। अब बात करते हैं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की, और आई थिंक उन्होंने डिसअपॉइंट ही किया है हमें भी, डेविड वार्नर को भी। हाँ यार मतलब एक तो वो टीम में पहले प्लेयर्स ही अच्छी लगती थी, कभी कोई देखा कितने तगड़े प्लेयर्स थे उनके पास, एवरेज प्लेयर भी तगड़ा खेलते थे, एवरेज तगड़ा खेलते थे। एग्जैक्टली मतलब देख रहा है जेसन होल्डर टाइप खेल जाते हैं। और राशिद खान का तो वही हो गया, बोलिंग तो उससे होती नहीं है ऑनेस्टली। मतलब अब वो देख रहे हैं वो बैटिंग पे ध्यान दे रहा है अपनी, उसे पता है कि उसकी बॉलिंग, वो बिग बैश वगैरह में बहुत मारता है बैटिंग से अपनी। हाँ वो प्रॉपर मैच जिताता है भाई वहाँ पे। राशिद खान का मुझे लग रहा है जैसा ही अफगानिस्तान में हाल चल रहा है वो इंग्लैंड की टीम से जल्दी खेलने वाला है। ऐसे हम भी ले सकते हैं राशिद भाई, शर्त है कि राकेश कुमार बन के आना पड़ेगा आपको। जिस दिन आप राकेश कुमार बने उधर से आते में जैसे आपने मत्था टेका ये पर्ची आगे दिखा देना, ये पर्ची आगे दिखा देना और इंडिया खेल जाएंगे आप भी। एज अ फैन हमें बहुत निराश किया, ये दे डोंट डिजर्व आवर 2 मिनट्स। यस आप केकेआर पे आते हैं और भाई सिंगल हैंडेडली एक बंदे की जो बिल्कुल कम बात हो रही है जिसने सब टर्न अराउंड किया, ब्रैंडन मुकल्लम। तुम्हें कुछ भी लगता हो कि उस टीम की काया पलट इसने, वो ब्रैंडन मुकल्लम जिसका बेचारे का काफी मजाक भी उड़ता था कि वो काफी नोट्स बनाता पता नहीं है, क्या लिखता रहता क्या है। लिखता रहता है उसने यही लिखा था, गाने लिखता रहता एसआर के को ये वाला दूंगा, ये वाला रेड चिलीज की अगली में लिरिक्स में ब्रैंडन मुकल्लम का नाम आ रहा है। इस बार अकाउंट को लाके शाहरुख खान से ये वाला गवा दिया। बट सिंगल हैंडेडली भाई क्या बदला उस बंदे ने, मतलब केकेआर का कोई चांस ही नहीं था जब हम इंडिया में खेल रहे थे, जो स्ट्रेच हमने खेला था। वो वेंकटेश ने तो अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी डाली थी, हम नीचे लगे हुए थे और फिर वो तो उस बंदे की कोचिंग दी गई, नीचे लगी हुई टीम को भी ऊपर उठा दिया। और वेंकटेश अय्यर क्या फाइंड भाई, किसी को पता भी वेंकटेश अय्यर इस आईपीएल की फाइंड है। मतलब ऋतुराज गायकवाड तो पहले भी थे, उसको देख चुके हैं तो अपना वो हुआ है 2.0, उसका तो 2.0 हुआ है, लेकिन वेंकटेश अय्यर फाइंड है, उनको वहां रोक लिया गया है। हाँ, उसको रोक लिया गया, उसको रोक लिया गया, और उसको जो बॉलर था एसआरएच से उमरान मलिक उसको रोक लिया गया। उमरान मलिक तो बड़ा बॉलर, अगर मुझे लगता है उमरान मलिक को स्पेशली इसलिए रोका है कि आप नेट्स पे हार्दिक पांड्या को घायल करेंगे और फिर ये हमारा तरीका होगा। शार्दुल को लाएंगे, शार्दुल को तो लाएंगे, इसको वेंकटेश अय्यर को अंदर लाने का हमारा ये तरीका होगा। भाई इंतजार भी तो ये कितना कर रहे हैं कि फिट हो जाए, फिट ही नहीं हो गया तेरा, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कभी बॉलिंग छोड़ देता है और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेल चुका है उसमें सिर्फ बैटिंग करने जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन वही शार्दुल ने बना ली अपनी ऑलराउंडर, शार्दुल भाई बिना चेहर, भाई चेहर राहुल दीपक चेहर, दीपक चेहर जिन्होंने दोस्तों इस सीजन मैदान का फुल इस्तेमाल किया। और बाद में ऐसा डिस्क्लोज हुआ कि ये आइडिया भी माही भाई का था कि तू मैच के बाद कर, नहीं और अभी कर ले प्ले ऑफ पे ताकि पूरा फोकस, वो प्ले ऑफ के बाद करना चाहते थे बट माही भाई ने बोला अभी करके रख ले ताकि फिर मैच पे फोकस कर, दिमाग से धोनी। और माही भाई का फिर वैसा वाला पोस्टर आया था ना जैसे मोदी जी का आते हैं इसके लिए हार्दिक धन्यवाद, उसमें दीपक चेहर और उसकी बीवी की फोटो है साइड में छोटी सी और माही भाई की बड़ी फोटो है कि ये इनका ही आइडिया है, तो डिजर्व करते हैं। आई थिंक उसने उसको रिंग पहनाते हुए बोला भी होगा कि सिर्फ पहना हम रहे शब्द इनके। सबसे अच्छी बात की भाई ये आईपीएल आधा रुका, बहुत बड़ी वजह से रुका, वापस हमने दूसरे शहर में तीन नटराजन ने फिर पूरी कोशिश की कोविड फैलाने की लेकिन ज्यादा फैला नहीं, ये पूरा एसआरएच का पूरा प्लान रहता है। इसके लिए हार्दिक बधाई हमारे जय शाह साहब को, गांगुली दादा को, उनका दिल से धन्यवाद।
दोस्तों आपके और चार कमेंट कमाने के लिए फिर से अपना निक रिवील कर रहा हूँ, मुझे टांगे दिखानी पड़ रही है अपने कमेंट लग गया दोस्तों। चलो बड़ा सेल आउट वाली हरकत करो थोड़ी सी। तो दोस्तों मेंस की शॉप पर चल रहा है मेंस की न्यू शॉपिंग फेस्टिवल, वहाँ जाए 31 अक्टूबर तक 80% तक का ऑफ कमाएं भाई, जितना तो मतलब एंजॉय करें। सनराइजर्स हैदराबाद में इतना वो नहीं था, स्ट्राइक रेट बल्ले वाले होगा, उत्तम डिस्काउंट दे रहे हैं। लाइक शेयर जरा, मेरा बड़ा वीट निकाल दो, टांग में बाल बहुत होंगे मेरे, इससे पहले मैं शेव कर देता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम।